हेलो दोस्तों, अगर किसी का ये बोट स्टोन ग्रेनेड मॉडल है तो कहते हैं इसमें जो पावर बटन होता है ये वाला पावर बटन एक ख़राब हो जाता है, जैसे आपके बाकी सारे बटन काम कर रहे हैं और ए बटन ख़राब हो जाता है। जैसे ए वाला बटन है, ये देख रहे होंगे आप, ए वाला बटन ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहले हम एक खोल के इस तरह से ले लेंगे। अब इसके बाद हमें समझ नहीं आता है कि कहाँ से क्या खुलेगा। ए वाले कहते हैं स्क्रू जो है महीन वाले स्क्रू, इस टाइप के स्क्रू ये खुलते हैं, ठीक है। तो इसमें कहते हैं हम इस पेंचकस की मदद से, या तो कोई पतला से पेंचकस ले लीजिए, इस तरह से ले लीजिएगा, और इससे हम इसकी मदद से इसको खोल लेते हैं, ठीक है। इसको खोल लेते हैं, फिर यहाँ से जो होते हैं यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इस तरह की रबड़ लगी रहती है, ये रबड़ दिख रही होगी आपको। तो इस रबड़ को हम क्या करते हैं, इसकी मदद से, इस प्रोजेक्टर की मदद से यहाँ पे लगा कर हम इसको ऐसे निकाल लेते हैं, और इसको कहते हैं ओपन कर लेते हैं। पहले हम सब सारी चीज़ों को ओपन कर लेते हैं, तो हम ऐसे ही करके ओपन करते जाते हैं, ठीक है। और इसको भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो सारे नट को, स्क्रू को हमने क्या कर लिया, इसको खोलेगा से, ये वाला पोर्शन तो खुल जाएगा, तो ये वाला पोर्शन आपका इधर से खुल सकता है, ऐसे खुल के, ऐसे करके चाय कर दूँ दिखाई दे। ये वाले पोर्शन के लिए सबसे पहले दिक्कत होती है इसकी, ये जो है ऊपर पट्टी लगी रहती है, चिपकी रहती है, ये पट्टी नहीं निकल पा रही है। आप अंदर बाहर दोनों तरफ से यूज कर सकते हैं ऐसे, ताकि ये निकल जाए। इस तरह का कुछ निकल आएगा, इसको हम इसे निकाल के अलग कर लेंगे। ये लगा, अब इसको ए स्क्रू लग गए, इसको स्क्रू को भी खोलना पड़ेगा। सारे स्क्रू को खोल के इस तरह के एक ग्रेनेड खुलता है। जैसे आपको पावर बटन खराब हो गया तो हम क्या करते हैं, ठीक है। तो स्क्रू हम खोल लेंगे, ठीक है। ये काफ़ी महंगा 1500 का था, तो इस तरह से कुछ निकल आएगा आपका, ठीक है। और इसी तरह का कुछ का कहते हैं आपका इस तरह का निकल आएगा, नहीं निकल रहा। अगर इसको निकाल लेंगे तो इस तरह के कुछ देखो सील लगी हुई है, ये सील लगी रहती है हर जगह, सील लगी रही है। पहली बार खुल रहा है ना, और अभी तक खुला नहीं, कोई खराब नहीं हुआ था, खुल रहा है पहली बार। चार्जिंग पॉइंट है, अब देखो यहाँ पे भी सील लगी हुई है, ये दिख रहे हैं किस तरह से सील लगी हुई जमी हुई, इसको भी आपको खोलना पड़ेगा कुछ इस तरह, ठीक है। ये सारी जगह खुल गए, सील लगी हुई है, हमने इसको निकाल दिया। अब आपका जो बटन है जोर से दबाने के कारण ये क्या हो गया, ये आपका मुड़ गया, power on, you've plugged into Nirvana, your device is ready to pair. ये आप देख पा रहे होंगे जो ये पोर्शन है, ये डब्बा है, ये दबाने पर देखो मुड़ जाता है, देखो देखिए दबाएंगे तो एक दब गया, एक दब जाता है, इस वजह से ऑन होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्लू बॉल लगा देंगे, उसको हम प्लग करो, ग्लू बॉल देखो इस तरह के ग्लू बॉल है, अच्छे से वो हो जाए। तो हमने यहाँ पर लगा दिया अच्छे से ग्लू बॉल लगा दिया, ताकि ये दिक्कत ना करे, मुड़ती है तो मुड़े ना, इतना लगा दिया कि इसको चढ़ जाओ
इसको सेट करने देते हैं। ये सेट हो गया। अब देखो अब इसको दबाते हैं। दब रहा आरियो तुमिगो पावर ऑन। पावर ऑन पावर ऑफ से हो गया। इस तरह से आप सही कर सकते हैं। अब इसको जो बटन प्रेस कर दीजिए, दिखाई दे रहा है? तो अब जो बटन लगा के ठीक है। हाँ तो आई होप आपको ये वीडियो को थोड़ा सा हेल्पफुल मिला होगा। अगर आपका स्टोन ग्रेनर जो ये वाला वो है, अगर आपका दिक्कत में है तो आप कहते हैं इसको सही कर सकते हैं, ठीक है, बिना किसी कोई हेल्प लिए इस तरह से।